बसपा नेता पर कारीगर को मारपीट कर घायल करने का आरोप खुद करेजल्ट ने लगाया है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर, आजमगढ़ से रहे आइए खबर पर पूरा प्रकाश डालें। फूलपुर, बसपा नेता पर कारीगर ने लगाया मारपीट कर घायल करने का आरोप। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। तहसील क्षेत्र के माहौल कस्बा निवासी अबू सामा पुत्र अबू लैस, जिसके माहौल कस्बे में फ्लैश बोर्ड की दुकान है, जिसमें फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के नुनियाडे निवासी पूर्व बसपा प्रत्याशी रहे चर्चित बसपा नेता इमरान अहमद उर्फ हिटलर के स्कूल का प्रचार फ्लैश बोर्ड बनाकर लगाने का ठेका ले रखा था। बताया जाता है कि कुछ जगहों पर फ्लैश बोर्ड को सही तरीके से नहीं लगाया था, जिसे लेकर ठेकेदार व हिटलर में कहा सुनी हो गयी। ठेकेदार के अनुसार उसी दौरान हिटलर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मारने पीटने लग गए। ये घटना सोमवार की शाम की है। पीड़ित की शिकायत पर फूलपुर कोतवाली पुलिस ने डॉक्टरी मुआयना कराकर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। जीजीएस न्यूज 24 ब्यूरो आजमगढ़, सरफराज अहमद की रिपोर्ट। लगवा दो क्योंकि मैं हिटलर को जवान दे चुका हूं और लगवाना है, तो मैं उसकी बात पे मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया मुझसे, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट पे मैं उसकी बात पे तैयार हो गया। मैं कहा ठीक है, मैं लड़के लेके चार पांच लड़के लेके आके बोर्ड लगवाने लगा, तो बोर्ड लगवाने लगा। उसके बाद हिटलर का मोहसिन के यहाँ फ़ोन गया है कि बोर्ड सही नहीं लग रहा है, तो फिर उसके बाद क्या नाम है, मोहसिन का मेरे यहाँ फ़ोन आया है कि ओसामा बोर्ड नहीं सही लग रहा है। तो मैं मोहसिन से ये बात बोला कि अगर बोर्ड नहीं सही लग रहा है और जो मुझे लिस्ट दी गई थी लिस्ट के हिसाब से मैं बोर्ड लगवा रहा हूँ, अगर बोर्ड नहीं सही लग रहा है तो आप एक लड़का दे दो, एक अपना आदमी दे दो, वो गाड़ी बैठा रहेगा, जहाँ लोकेशन बताएगा उस जगह बोर्ड लगा दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या नाम है, ये चीज़ मैं बोला, फिर ये मोहसिन मुझे लिवा के कहे चलो हिटलर भाई बुलाएं, हिटलर भाई घर पे मुझे लिवा के गए। अब वहाँ जब मैं गया उनके घर पे, तो वो मुझसे कहें कि बोर्ड सही नहीं लग रहा है, तो मैं यही बात उनसे भी बोला कि अगर बोर्ड नहीं सही लग रहा है ठीक है आप एक लड़का दे दीजिए, वो गाड़ी बैठा रहेगा, उसके बाद जहाँ लोकेशन बताएगा वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या नाम है, जब ये चीज़ वो बोला है तो मैं ये बात मतलब बोर्ड लगवाते हो, तो मैं कहा ठीक है मैं बोर्ड नहीं लगाऊंगा लेकिन तमीज़ से बात करिए, यही लफ्ज़ जब मैं बोला हूँ तमीज़ से बात करिए, फिर तुरंत लाठी डंडे से लेके और पूरा अरे जीसान और हिटलर पूरा उसका राड लेके मुझे मारने लगे, एकदम टूट पड़े, एकदम बहुत बुरी तरीके से मुझे मार रहे थे। ज़मीन पे मैं पड़ा था, इतना ज़्यादा इधर उधर से मार रहे थे, और यहाँ तक कि हिटलर के जो पिताजी हैं हाजी इश्तियाक वो भी मार रहे थे अपनी कुबड़ी से, और जब कुबड़ी से वो मार रहे थे उसी मारने में हिटलर का एक डंडा उनके पिताजी के हाथ पे भी पड़ गया, उनको भी चोट आई है। जब उसके बाद जब उनको चोट आई है उसी दौरान फिर जब उनका हाथ देखने लगे उसी बीच मैं मौका पाया, फिर वहाँ से मैं भागा। यानी आपको किसी ने नहीं बचाया? कोई नहीं बचाया, जो मुझे लिवा के गया था वो भी बचाने का प्रयास नहीं किया, और हो सकता है वो डर के मारे वो नहीं बचाया, वो सोच रहा क्यों जो आपको लिवा के गया वो क्यों नहीं बचाया, यानी डर गया या क्या? वो इसलिए नहीं बचाया कि हो सकता हो वो कह रहा था इतना मजबूत आदमी है, बड़ा है, तगड़ा है, हो सकता हो कहीं मुझे भी मारने लगता, ये बात मुझसे कल वो खुद बोला है, मोहसिन बोला है। तो मोहसिन भी भाग गया जान बचा के? मोहसिन वहाँ खड़ा था और तमाशा देख रहा था, और जीसान के साथ कम से कम 10-15 लड़के थे, वो सब मिल के मार रहे थे, जीसान भी मार रहा था और पूरा हिटलर भी मार रहे थे, हिटलर के पिताजी भी मार रहे थे, सब लोग मुझे मिल के मार रहे थे, बस यहाँ तक कि हिटलर मेरे गर्दन पे पूरा पैर अपना रख के दबा दिए थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि मुझे मेरी जान से मारने की मतलब वो प्रयास कर रहे थे कि ये मर जाए। अरे कौन सा बहुत बड़ा गुनाह आपने कर दिया, होर्डिंग का तो मामला था? बस यही मामला था, लेकिन उसको बहुत बुरा लग गया कि ये मुझे जवान लड़ा रहा है, मतलब मुझे तमीज सिखाएगा, मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं इतना ही जब वो गाली मुझे दिया, तो गाली जब दिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं कहा आप तमीज से बात करिए, यही मैं बोला। उसके बाद क्या नाम है, मैं जज्बात में आया, मैं कहा ठीक है मैं उसात कुरैसी का भतीजा हूँ, मैं घर पे जाके अपने चच्चा को बताऊंगा। अब उसात कुरैसी क्या, यानी क्यों जल गए अबू साद? पता नहीं क्या है वो, उनको कुछ वो किस टेंशन में थे, जब मैं अबू साद चचा का नाम लिया तो वो कह रहे हैं कि उसको पकड़ो पकड़ो, उसके पकड़ने के बाद फिर मुझे मारना शुरू किए, फिर मारने लगे, बहुत ज्यादा मारे मुझे, पूरा कम से कम जितने लड़के सब आ रहे थे तब थप्पड़ थप्पड़, सबसे पहले स्टार्टिंग हिटलर ने किया था, जैसे वो हाथ लगाए मुझे मारने के लिए तो सारे लोग जितने थे सब मारने लगे, यहाँ तक कि हाजी इश्तियाक खुद मार रहे थे, अपनी कुबड़ी से मार रहे थे, और उसी कुबड़ी में मारने के चक्कर में हिटलर तो आप बचे कैसे बताइए? वही बता रहा हूँ ना, जैसे मैं जब कब बचा, जब हिटलर का एक डंडा हाजी इश्तियाक के हाथ पे पड़ गया तो अपने अब्बा को देखने के लिए वो लोग एकजुट हुए, अपने पिताजी का हाथ देखने लगे, कहाँ लग गई, कैसे तुम बीच में आ गए, कहाँ से लग गई, तो वही देखने के चक्कर में मुझे मौका मिला, उसी बीच में मैं भागने का प्रयास किया, मैं भाग गया वहाँ से, नहीं तो मुझे जान से मार डालते। अच्छा वही मिला तो उसी भाग गया? उसी मौके पे मैं वहाँ से भागा निकला।
तो आप बता रहे बहुत लगी चोट, बताए थोड़ा दिखाएं। तो मुझे देख लीजिए, मैं पूरा एकदम पूरा हार्ट से मारा है मुझे, पूरा एकदम यहाँ पे चोट लगी है। ये यहाँ देखिए, यहाँ पूरा चोट लगी है। और कहाँ लगी है देखिए, ये पूरा पैर में यहाँ चोट लगी है, ये पूरा यहाँ मुझे मारा है, ये पूरा पीठ में मुझे मारा है। मतलब मैं जमीन से गिरा पड़ा था और पूरा मार रहा था। अच्छा, ये सब तो आपने दवा वा लिया? अच्छा, दवा वगैरह नहीं लिया? मैं इस वक्त मौजूद हूँ अबुसाद कुरैसी, पीस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। ये जो कल 2 बजे मामला हुआ सर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या मामला है? मैं पहले आपको बताऊँ, मेरा नाम अबुसाद कुरैसी है, पीस पार्टी का मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष। मेरा भतीजा अबू ओसामा होर्डिंग का कारखाना चलाता है। और कहाँ पे चलाता है सर? ये माहुल में। अच्छा। और होर्डिंग के कारखाना चला रहा था, और एक होर्डिंग का काम करने वाला फूलपुर का झकाह सलीम प्रधान है, उनका भांजा वो मोहसिन वहाँ प्रेस चलाता है। मोहसिन ने कोई काम लिया था हिटलर का, उनकी तमाम होर्डिंगें बनी थी, और मोहसिन वो होर्डिंग लगाने में असमर्थ थे। इसलिए मोहसिन ने संपर्क बनाया हमारे भतीजे से और कहा, ओसामा मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने हिटलर का काम ले लिया है, वो होर्डिंग मैं नहीं लगवा पा रहा हूँ, तुम मेरी मदद कर दो, तुम आदमी लेबर लेकर के ये लगवा दो। तो मेरा भतीजा ये काम करता था, इसलिए वो दोस्ती में तैयार हो गया और कहा ठीक है मैं लगवा दूँगा। जब वो होर्डिंग सुबह से लगवाना शुरू किया, आधी बाजार माहौल और अंबारी फतगुदिया और मकसूदिया सब लग चुका था, उस बीच में मोहसिन का फ़ोन आया कि ओसामा तुम मेरे पास आओ, वो हेटलर बोल रहे हैं कि होर्डिंग सही नहीं लग रही है। तो जब उन्होंने ये कहा तो ओसामा वापस आए और मोहसिन के साथ हेटलर के घर गए। हेटलर के जब घर गए, हेटलर ने कहा होर्डिंगें उतार दो, होर्डिंग सही नहीं लगा रहे हो। तो उसने कहा अगर होर्डिंग हम सही नहीं लगा रहे तो आप अपने स्तर से लगवा लो, आप होर्डिंग अपने स्तर से लगवा लो, या तो अगर हमसे लगवाना है तो एक आदमी दो, वो आदमी बताए कैसे लगाना है, नहीं तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो उन्होंने बड़ा गंदा वर्ड इस्तेमाल करके मेरे भतीजे से कहा, वो मैं नहीं कह सकता, जो उन्होंने इतना गंदा वर्ड किया और कहा कि तुम अगर ये नहीं कर सकते तो फलान करते हो, तो वो गंदा वर्ड पे उसने एतराज़ किया। उसने कहा कि भाई आप, मैं तो होर्डिंग नहीं लगाऊंगा आपकी, मगर आप अल्फाज संभाल के बोलिए। तो उतने में उनको इतना गुस्सा आया कि बड़े आदमी हैं, अब वो लेबर उनको दिखाई दे रहा था, उसको उन्होंने मारना शुरू किया। और अक्सर होता है कि घर का मुखिया अगर किसी को मारता है तो पूरा घर डंडा डंडा लेके जुड़ जाता, वही हुआ मेरे भतीजे के साथ। वो अपने घर पे लाठी डंडों से पीटना शुरू किए और मारते मारते फिर उसने रोया कि मेरे 8 बहनें हैं, मुझको मतलब सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर है। तो उस भतीजे को थोड़ा सी ये नर्वस होते, तब तक उनके बाप भी कुबड़ी लेके मार ही रहे थे कि उन हिटलर का डंडा उनके बाप को पड़ गया, और जब बाप को चोट लगी तो दर्द बहुत ज़्यादा हिटलर को हुआ कि अब्बा कैसे चोट लग गई। फिर अब्बा को देखने लगे तो उतनी देर में ये लड़का भागा, और वहाँ एक लड़का हिटलर के ही गाँव का इसकी मदद करता है, उसको ले कर तुरंत भाग के आता है माहौल। जिस हालत में इसको मैंने देखा, इतनी बेरहमी से इसको मारा गया था लाठी डंडे से, जिसे मॉब लिंचिंग होती है वो हो रहा था, जो हिटलर ने कर दिखाया। और जब इसने कहा कि मारो मत, मेरा मैं अबुसाद कुरैसी का भतीजा हूँ, अबुसाद कुरैसी का भतीजा हूँ, मारो मत नहीं तो अभी बवाल हो जाएगा, तो अबुसाद कुरैसी का नाम सुनते ही और मारना शुरू। तो मैं आज एक बात स्पष्ट साफ कर दूँ कि जब विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था तो कैश को टिकट मिला था 2017 का चुनाव। कैश कौन भाईजान? अबुल कैश, ये खरेवा के जो है, ये विधानसभा का टिकट पाए बसपा से और ये चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, मैं भी एक सामाजिक आदमी था, मैंने राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मांगा था, उस समय राष्ट्रीय लोकदल से टिकट पहुंचने मुझे लेट हुआ, तो मैं आके निर्दल मतलब चुनाव लड़ने का फैसला किया, मैंने पर्चा दाखिला कर दिया। और उसके बाद जब मैं घर के लिए वापस हुआ तो तमाम लोग मुझको समझाने लगे कि अबुसाद भाई आपके लड़ने से कैसे हार जाएंगे। फिर मेरे पास तमाम मदारिस के लोग, जिम्मेदार लोग, गांव के लोग मेरे पास आए कि अबुसाद चुनाव तुम न लड़ो, बैठ जाओ। इस रात में मेरे पास हिटलर भी आए
और कहा उसा तुम चुनाव लड़ो, जितना रुपया खर्च होगा मैं दूंगा। मैंने कहा कि देखो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि समाज के लोग मुझे मना कर रहे हैं। इसी बीच में रात को हाजी याकूब साहब, पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी का मेरे पास फोन आता है और वो कहते चुनाव तुम न लड़ो अबू साहब, तुम्हारी वजह से अगर एक मुसलमान हार जाएगा तो सारा बदनामी तुम्हारे सारे आएगी और पूरे गांव के लोग ये घूम के कहेंगे कि अबू साहब ने फला को हरा दिया, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे भतीजे को जब दोबारा मारा गया तो वही ठसन और वही वो कि मैं उनको बैरंग वहाँ से वापस भेजा। और ये तो हिटलर की पुरानी आदत है, हिटलर तो इसके पहले मुझसे भी आजमगढ़ से होर्डिंग बनवा के लाए थे और पैसा देने के लिए वो दौड़ाते रहे, लास्ट में मैं अपना पैसा छोड़ दिया, उसके यहाँ फिर दोबारा मैं गया नहीं। मगर ये भतीजा मेरा बिना बताए चला गया, मैं अगर जानता तो मैं उसके यहाँ नहीं जाने देता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अबू साद भाई।